तो उन्होंने बोला प्रिंस का रोल है, देखा तो 200 प्रिंस बैठे थे वहाँ। तो वो मेरा पहला इंट्रोडक्शन है। बाकी जब वक्त आया कि मेरा अभी मेरा लाइफ में कुछ होने वाला है, जब मैं सेरा पिक्चर में था तो मुझे एक डायलॉग मिला जो उस वक्त याद नहीं हुआ, आज याद है। वो डायलॉग 25-30 रिटेक हो गए। डायलॉग इतना ही था, सरदार सरदार दुश्मन टिड्डी दल की तरह गोलियां बरसाते हुए आ रहे हैं, इतना ही बोलना था। तब याद नहीं हुआ। सी दिस इज हाउ फेट इज। उसके बाद जब शांताराम जी ने मुझे बुलाया स्क्रीन टेस्ट के लिए, तो राजेश खन्ना और मैं साथ में ही पढ़ते थे स्कूल में, तो वो ड्रामा में बहुत काम करता था। तो मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा कल मेरा स्क्रीन टेस्ट है, मेरे को शायद हीरो ले लेंगे। तो उसने पूरा केसी कॉलेज के कैंटीन में बैठ के रिहर्सल करवाई मुझसे। रिहर्सल करवा के जब मैं वहाँ पहुँचा स्क्रीन टेस्ट के लिए नेक्स्ट डे, तो उन्होंने अपने ही डायलॉग दे दिए। उनके डायलॉग तो मैं बोल नहीं सका, तो आई वॉज फॉल्टरिंग सो बैडली। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है, जो यहाँ लिखा है ना होता वही है, इंस्पाइट ऑफ ऑल दिस हैंडीकैप्स आ गया यहाँ पे, सो यू डोंट वरी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।